जी ओम श्री गण गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः। देखिए पंचांग में हमारे पांच अंग हैं, तिथि वार योग नक्षत्र और करण। तो आज हम चर्चा करेंगे वार के बारे में। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं जिनको सात वार बोलते हैं? सप्ताह में सात वार होते हैं। रविवार, रविवार के जो स्वामी हैं वो है सूर्य महाराज, सूर्य देव। और दूसरा जो है सोमवार, सोमवार को हम चंद्र का दिन भी मानते हैं। तो जो हमारे पंचांग में लिखते हैं वो चंद्र बार लिखते हैं। और तीसरा है मंगलवार। पहले को हम बेसिक स्टार्ट करते हैं रविवार से, दूसरा है सोमवार, चंद्रवार, तीसरा है मंगलवार। इसके स्वामी है मंगल, मार्स। आपके पंचांग के अकॉर्डिंगली हम जो ग्रह लेते हैं वो हम लेते हैं मंगल को, मंगलवार का स्वामी मानते हैं, बुध को बुधवार को बुध का, और बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, हिंदी में बुध कहते हैं। फिर गुरु, पंचम, पंचम दिन है गुरुवार। तो गुरुवार के जो स्वामी हैं वो गुरु ग्रह है, जुपिटर जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में। शुक्रवार के मालिक हैं शुक्रदेव। शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु हैं, और गुरु जो है बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं। ये दोनों गुरु हैं, गुरुवार और शुक्रवार। शुक्रवार की जो मालिक हैं, स्वामी हैं, हम लक्ष्मी जी को लेते हैं। कितने भी गो उपाय करने होते हैं या विष्णु भगवान जी से लेते हैं, लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान। और शनिदेव, शनि के मालिक, शनिवार के मालिक हैं शनिदेव। सूर्य के पुत्र हैं, छाया के पुत्र हैं शनिदेव। तो ये सात ग्रहों को ही टोटल इनमें स्थान, दिनों, बार मिले हुए हैं अपने। राहु और केतु जो ये प्लैनेट्स हैं इनको कोई अपना वार नहीं मिला। तो राहु के जितने भी उपाय हैं या तो हम शनिवार वाले दिन करते हैं या हम बुधवार वाले दिन करते हैं। और जो केतु है, केतु सब मंगल बोला जाता है, केतु को कुछ भी बोला जाता है, मंगल भी बोला जाता है। तो जितने भी उपाय होंगे केतु के वो मंगलवार वाले दिन। तो इस तरह से, और देखिए जो वार होता है ना, हिंदू धर्म के अनुसार या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, आज सुबह जब सूरज निकला और कल सब जब सूरज निकलेगा, तो ये जो टोटल ड्यूरेशन होती है फ्रॉम सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, इसको हम वार कहते हैं। हालांकि जब हम घड़ी से देखते हैं तो रात को 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। तो कई बार ये बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम जन्म पत्रिका बनाते हैं। जन्म पत्रिका में लिखा होता है मंगलवार, रात को बच्चे का जन्म हुआ 2 बजे, तो हमने आज मंगलवार है, तो अगर आज थर्सडे है या फ्राइडे है तो हमने फ्राइडे वाले दिन लिख दिया। रात को 2 बजे जन्म हुआ तो हमने लिख दिया शुक्रवार। लेकिन जब हम कंप्यूटर में डालते हैं तो वहां पे आता है शनिवार 12 बजे के बाद। तो इसीलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ज्योतिष के अनुसार सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज जो एक दिन का ड्यूरेशन है वो हम उसी दिन के स्वामी को लेते हैं। अब देखिए लेडीज जो हैं करवा चौथ का व्रत करते हैं, तो करवा चौथ में क्या करते हैं, पानी भी नहीं पीते सारा दिन, लेकिन सुबह उठ के सूरज निकलने से पहले वो अपना खाना वगैरह खा लेती हैं, और उसके बाद जब सूरज निकल आता है उसके बाद बात शुरू हो जाता है। तो वो व्रत टूटता नहीं है जब तक वो उसको चंद्रमा को अर्घ नहीं देती। उसी तरह गणेश चौथ का व्रत है, कोई भी व्रत हम करते हैं, लोग सोमवार का भी व्रत रखते हैं, तो मॉर्निंग सनराइज से लेके अगले सनराइज तक जो रहेगा वो उस दिन का व्रत रहेगा, उसमें उसके ही पूजा पाठ क्रिया कर्म किए जाते हैं। ठीक है, जब हम मुहूर्त निकालते हैं, किसी चीज का मुहूर्त निकालना है, उस टाइम में भी हमने ये वार को इसी तरह से ही लेना है। अब देखिए हर वार का एक अपना इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस है। जैसे अभी बात कर रहे थे मंजू जी से कि ये सोमवार, जैसे सोमवार का व्रत रखते हैं तो सोमवार के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव कौन है? एक सबसे पहले तो हम ज्योतिष जो करते हैं, ज्योतिष में सबसे ज्यादा
मतलब जो है हम चंद्रमा को देते हैं, मून को देते हैं, और चंद्र दे मंडे इज मून, चंद्रमा का दिन है, और चंद्रमा भगवान शिव जी के माथे के ऊपर विराजमान है। तो हम जितना भी उपाय करते हैं मंडे को, नॉर्मली हम क्या करते हैं, शिव मंदिर में जाते और शिव जी को जल चढ़ाते। शिव जी के इसलिए जल चढ़ाते हैं क्योंकि चंद्रमा के जितनी भी रेमेडीज हैं सोमवार को होती हैं। चंद्रमा जो है वो जितनी भी धरती पे संपदा है, खजाना है, उसके भी मालिक हैं, पानी के मालिक, जो पानी है उसको कंट्रोल भी मून करते हैं। तो चंद्रमा से हम कोई भी शुभ काम करना है सोमवार वाले दिन, हमेशा देखो हजामत कराने जाना है, कहते हैं आज मंगलवार है हजामत ना कराओ, नया जूता पहनना है, आज ये वाला दिन है ठीक है, आज नया कपड़ा खरीदना है, तो लोग ज्योतिष से पूछने आते हैं कि हाँ नया जेवर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, जमीन में बीज बोना है, भट्टे पे आग लगानी है, आग देनी है, नया तंदूर सेट करना है, रेस्टोरेंट में तंदूर लगाना शुरू करना है, या नए घर में प्रवेश करके रसोई शुरू करनी है। तो हर चीज के लिए लेकर पूछने आते हैं, हर काम के लिए। और कुछ चीजें तेल लगाना भी हम कहते हैं, कटिंग करानी है, मंगलवार को लोग कटिंग नहीं कराने देते, वीरवार को कटिंग नहीं कराने देते, ठीक है, नया जूता खरीदना है। तो हर काम के लिए हर दिन की अपनी एक महत्वता है। सोमवार के दिन हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड कोई काम धंधा करना है, कृषि के साथ, गाय का, भैंस का, दूध का, घी बनाना, घी की फैक्ट्री लगाना, घी से रिलेटेड सेल परचेज का काम करना, डेयरी फार्मिंग का काम करना, इवन जितने लिक्विड्स हैं, तरल पदार्थ, जूस हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सोडा हो गया, इन सभी का जो काम है वो हम सोमवार वाले दिन कर सकते हैं। सोमवार को ही देखो मोती जो है लोग पहनते हैं, मोती हो गया, सोमवार को पहनते हैं, चांदी का काम हो गया, इवन शंख सीपियां जो समुद्र में जितनी भी ये निकलती हैं, शंख सीपियां मोती घोंघे, सारे काम सोमवार को किए जा सकते हैं। खेती बाड़ी का काम करना है, बागवानी गार्डनिंग का काम करना है, घर में बगीचा लगाना है, घर में पौधे लगाने हैं, पैसा इकट्ठा करना, पैसे के साथ रिलेटेड काम धंधा करना, परफ्यूम्स का काम करना, ये भी कॉस्मेटिक्स, क्रय विक्रय, इनकी सेल परचेज हो सकती है, सेंट, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, लेडीज के साथ रिलेटेड काम धंधा, जैसे सुहाग का सामान है, नए काम की प्लानिंग करना, विदेशी पत्राचार आदि का काम करना, हम ये सारे के सारे काम सोमवार को कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सोमवार का जो स्वामी है चंद्रदेव, मून जो है वो हमारी धरती के ऊपर बहुत उनका कंट्रोल है, जितने भी लिक्विड्स हैं, पानी है, चांदी का काम है, सो कृषि हो गया, गाय भैंस, दूध का काम, घी का काम, डेयरी फार्मिंग का काम, तरल पदार्थ, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, मोती, सिप्पी, शंख, बागवानी, खेती बाड़ी, धन संपदा, स्त्रियों के सौंदर्य के साथ प्रसादन जितने भी हैं, सुगंधित वस्तुएं जैसे सेंट हैं, परफ्यूम हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, का सेल परचेज, क्रय विक्रय, नए काम की प्लानिंग, चांदी का सामान बनाना, विदेशी पत्राचार आदि का काम हम मंडे वाले दिन कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, अगर नया जूता पहनना है, हजामत करवाना है, तेल लगाना है, तो नया आभूषण, नया जेवर गहन करना है, तो ये हम कर सकते हैं। स्टडीज में क्या है, विद्या आरंभ करनी हो, जैसे मेडिकल की एजुकेशन लेनी है, दवाई की मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज लेनी है, पढ़ाई करनी है, राइटिंग वर्क करना है, तो सोमवार वाले दिन हम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोग आएंगे आपसे पूछने के लिए कि मैंने दुकान खोलनी है, चांदी का काम शुरू करना है, तो कौन सा दिन बेटर है, इवन किसान भी पूछेंगे। इसी तरह सोमवार को जो हम पूजा पाठ करते हैं वो चंद्रदेव की करते हैं, शिव मंदिर में नॉर्मली लोग जाते हैं,
और सोमवार के व्रत भी रखते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या है, सोमवार के व्रत वाले दिन भी आप मंदिर में कच्ची लस्सी दूध का जो करते हैं तो शिव मंदिर में जाके करते। अब जो मंगलवार का दिन है, मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी का। हम सभी को पता है कि मंगलवार वाले दिन लोग तो मंदिर में जाते हैं हनुमान जी के, हनुमान जी की पूजा पाठ की जाती है। हनुमान जी जो है ना वो ज्योतिष में हम मंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल जो डायरेक्शन है वो दक्षिण दिशा के मालिक हैं, अग्नि के मालिक हैं, अग्नि के स्वामी हैं। तो कोई भी अग्नि का काम करना, फायर का, अग्नि संबंधी, अग्नि एवं बिजली के साथ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड फायर रिलेटेड कोई भी काम करना हो, इवन बेकरी का काम स्टार्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं मंगलवार वाले दिन। मंगल जो है वो हमारे शरीर में खून है, गर्मी है, ब्लड है। तो जितनी भी स्पोर्ट्समैनशिप होती है, जिस आदमी में एनर्जी लेवल हाई होगा वही कर पाएगा। गर्मी, शरीर में गर्मी होगी, ऊर्जा का ऊर्जा निकलेगी, तो उसी से आदमी ज्यादा गेम्स में फिट होता है। तो स्पोर्ट्स का काम, मतलब ये स्पोर्ट्स गुड्स प्लेयर्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो भी सामान बनाया जाता है स्पोर्ट्स का, इवन देखिए बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर लोग जो है ना मंगलवार वाला दिन रखते हैं सर्जरी के लिए, मंगल शनि में ओपीडी नहीं करते हैं, वो सर्जरी का काम करते हैं। सर्जन हो, ऑर्थोपेडिशियन हो, तो सर्जरी करने के लिए भी मंगल बहुत बढ़िया दिन है। हथियारों के साथ रिलेटेड कोई भी काम करना है, औजारों के साथ रिलेटेड काम करना है, बहुत बढ़िया दिन होता है। किसी से कर्जा, किसी को कर्जा देना हो तो मंगलवार को, कर्जा लेना नहीं है मंगलवार, कर्जा अगर मंगलवार को लेंगे तो लड़ाई झगड़ा पड़ेगा, लेकिन कर्जा देना अच्छा है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का काम करना हो किसी ने, किसी ने कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना है, और उसमें वो कहते हैं हमने दुकानें, बिल्डिंग्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन चीजों की सेल परचेज का काम करना है, कमर्शियल एक्टिविटीज रिलेटेड टू जमीन, अर्थ, भूमि के साथ रिलेटेड काम करना हो तो मंगलवार का दिन बहुत बढ़िया है। हाँ, अगर कोई पार्टनरशिप है उसको ब्रेक करना है, एग्रीमेंट को डिसॉल्व करना है, तो फिर भी मंगलवार। फिर कहते हैं सोना, तांबा, मूंगा का क्रय विक्रय करना, सोना खरीदना हो, मूंगा खरीदना हो, तांबा खरीदना हो तो ठीक है, लोहा मना किया जाता है। मंगलवार वाले दिन लोग लोहा नहीं खरीद, बिल्डिंग बनानी है, कुछ करना है, लोहा खरीदना है, तो वो अवॉइड अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो होते हैं, जिसमें हमने प्रतियोगिता में बहस करनी है, या कहीं पे आपको आर्गुमेंट्स के लिए बुलाया जाता है, या फिजिकल एक्टिविटीज लाइक योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, जिम ज्वाइन करना है, तो मंगलवार का दिन बहुत बढ़िया हो। तो कुछ एक्टिविटीज में हम मना करते हैं, कुछ एक्टिविटीज में हम कहते हैं कि मंगलवार का दिन बहुत बढ़िया है। लोहा खरीदना अच्छा है, इवन मुकदमा करना है किसी के ऊपर, केस करना है, कोर्ट केस करना है, तो मंगलवार का दिन बढ़िया है। सर्जरी करनी है तो दिन बहुत बढ़िया है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल की एजुकेशन लेना, शस्त्र विद्या सीखनी है, डेंटल एजुकेशन, मेडिकल में डेंटल का अगर एजुकेशन लेना है तो वो भी बहुत बढ़िया है। जहाँ जो भू होता है, भूगर्भ, जितनी भी जियोलॉजी, जमीन के अंदर से चीजें निकालने वाली जो चीजें हैं उसके साथ रिलेटेड की अगर स्टडी को करनी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन की दवाइयों की स्टडी करनी है, या आपके रिलेटेड कोई काम धंधा करना है, तो मंगलवार का दिन बहुत बढ़िया होता है। देखो हमने पढ़ा था मंगल जो है ना वो दक्षिण दिशा के स्वामी है, तो मंगलवार वाले दिन दक्षिण दिशा की यात्रा हम कर सकते हैं, दक्षिण दिशा की यात्रा कर सकते हैं, इवन पूर्व दिशा की, जहाँ पूर्व की दिशा में जाना हो तो वहां पे भी जाया जा सकता है। इवन आप देखिए पूर्व और दक्षिण के बीच में हमने पढ़ा था आग्नेय कोण, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उल्टा अगर उत्तर पश्चिम वायव कोण जिसको बोलते हैं,
उत्तर पश्चिम की दिशा में यात्रा करना अशुभ होता है। तो हम अगर किसी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी हो, लंबी यात्रा करनी हो, फॉरेन ट्रेवल करना हो, तो वो हमेशा ज्योतिष से पूछने आते हैं कि हमने सीट बुक करानी है या हमने ट्रेवल करना है तो उस डायरेक्शन में हमने जाना है, तो आप बताइए कौन सी डेट में हम सीट्स बुक कराएं। तो मुहूर्त निकालने के टाइम हम ये जरूर देखते हैं कि मंगलवार का दिन हो तो उसको उत्तर पश्चिम दिशा में जो ट्रेवल करने के लिए मना कर, ठीक है? यहां तक अगर आपको कुछ क्लियर हो गया है, चलो। और देखो मंगलवार को क्या करते हैं, उपाय क्या करते हैं, नॉर्मली मंगलवार को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। इसके अलावा मंगलवार को हम माता जी की भी स्तुति करते हैं, माता के मंदिर में लोग जाते हैं मंगलवार वाले दिन। सो मंगलवार वाले दिन यहाँ हनुमान जी या माता जी का पूजा पाठ किया जाता है। नॉर्मली जो लेडीज हैं उनको माता जी के मंदिर में भेजा जाता है और जो जेंट्स हैं उनको हनुमान जी। और मंगलवार को नॉर्मली जब हम ज्यादा चर्चा करेंगे, गुड़ का दान किया जाता है। सोमवार को सफेद चीजों का दान किया जाता है। अब आ जाते हैं हम बुध के बाद। जो बुध है, बुध क्या है, बुध एक ठंडा प्लेनेट है। डायरेक्शन इनकी क्या है, नॉर्थ है। और बुध वार वाले दिन पढ़ाई करना, कोई नई बच्चे को स्कूल में डालना, कोई नया बिजनेस शुरू करना, अकाउंट्स का काम करना, जितने लोग ये अकाउंट्स का काम करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, सो अकाउंट्स एजुकेशन रिलेटेड टू लेखन कार्य, जैसे राइटिंग है, बुक पब्लिशर्स हैं, बुक्स के साथ रिलेटेड पब्लिशिंग है, राइटिंग है, ऑडिटिंग है, कुछ भी पुस्तकें लेखन का कार्य है, उसमें प्रशासन भी है। जरूरी नहीं है कि एक आदमी किताबें ही लिखेगा, ये भी हो सकता है कि वो प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस खोलनी है, शिक्षण एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलनी है, कोई टीचिंग एकेडमी खोलनी है, ट्यूशन सेंटर खोलना है, स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना, यूनिवर्सिटी खोलना, या कोई भी वकालत के साथ रिलेटेड काम धंधा, इसमें पढ़ाना है, शिल्प एवं संपादन कार्य, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम हो गया, ठंडे दिमाग से जो काम किए जाते हैं। मंगल होता है जोर वाले काम, जोर से, एनर्जी से। बुध होते हैं बुद्धि से, हर चीज ठंडे दिमाग से सोच के, प्लानिंग वाले जितने भी काम है, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, जो प्लानिंग करते हैं, इवन बिजनेस जो होता है ना वो ठंडे मन से होता है। ट्रेड एवं कॉमर्स यानी व्यापारिक वस्तुओं का क्रय विक्रय, इसके अलावा जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, राइटिंग का काम है, जो पोस्ट डिपार्टमेंट सारा आता है बुध के अंडर में आता है, मिंट जो प्रेस नोट छापती है वो बुध के डिपार्टमेंट का, पब्लिक रिलेशंस का काम, लोगों से आपको कोई भी पब्लिक रिलेशन का काम है, लोगों से जुड़ना है, स्पीच देना है, पब्लिक एड्रेस करना है। इसके अलावा मैथमेटिक्स, जिन लोगों का बुध वीक होता है उनका मैथमेटिक्स वीक होता है, टेक्निकल नॉलेज, इवन जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी बुध के एंटर में आती है। अगर आपका बुध ठीक होगा तो एस्ट्रोलॉजी कर पाएंगे। ज्योतिष में आपने किसी को सलाह देनी है, तो अगर आपका ठंडे दिमाग से सोचेंगे तभी प्रॉपर काम कर पाएंगे। इवन साइंस, इसके अलावा वाहन को चलाना, नई गाड़ी सीखनी है, नया स्कूटर सीखना है, मोटरसाइकिल सीखना है, कोई भी नया वाहन सीखना जो है वो बुध वर्ष शुरू किया जाता है। देखिए कितनी चीजें आ गई, बुध, जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस, जितनी भी आपकी प्रिंटिंग प्रेसेस, ये जितने भी आपका वकालत का काम, अकाउंट्स का काम, चार्टेड अकाउंटेंट्स, ये सारे बुध वर्क हैं। और बुध के जो देवता हैं वो बुध ही हैं, लेकिन राहु के साथ रिलेटेड जितने भी उपाय हैं वो हम बुधवार वाले दिन भी कर सकते हैं। बेसिकली कार्तिकेय जी हैं इसके स्वामी। और नैत्रिज्ञ कोण, नैत्रिज्ञ कोण जैसा हमने पढ़ा था, ये होता है साउथ और वेस्ट के बीच में। जब सूरज दोपहर को 2, 3, 4 बजे जहां पे आता है, नैत्रिक कोण बोलते हैं, साउथ वेस्ट की यात्रा करना शुभ है।
की, दक्षिण पूर्व और साउथ वेस्ट, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम की यात्रा करना अशुभ है, लेकिन ईशान कोण की यात्रा अशुभ है। ठीक है, नया वस्त्र, बुधवार वाले दिन आप नया वस्त्र धारण कर सकते हैं। नया, कोई भी नया वस्त्र लेना हो, धारण करना हो, आभूषण, सबसे बढ़िया दिन है बुध, ठंडा दिन है। नया जेवर, गहना धारण करना हो, हजामत कराना, नया जूता पहनना, मुकदमा करना, तेल लगाना, सब काम हो सकते हैं, कोई भी उस दिन अशुभ काम नहीं। सो हमने पढ़ा सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा हम अगले सेशन में चर्चा करें।